चहा। नहा के आए हैं, टॉवल में है ये मिस्टर, और ये बना रहे हैं चाय। उठी हूँ अभी, उठी है मेरा। और मैं कल रात को बहुत लेजी बन गई थी, मैंने चेंज ही नहीं करा और मैं ऐसी सो गई थी। चलेगा। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अभी 10:45 बज रहे हैं सुबह के। मैं तो एक बार का शार लेके तैयार सी हूँ, लेकिन ये लोग अभी उठे हैं। विवेक उठ गए थे, चाय रखी हुई है इन्होंने, चाय बना रहे हैं सबके लिए। आज काफ़ी सारा काम है, बहुत बिजी दिन जाने वाला है। पैकिंग करनी है, काफ़ी सारी पैकिंग बाकी है, सब हमें आज ही करना पड़ेगा क्योंकि, और घर की हालत देखो, डाइनिंग टेबल दिख रही है आपको, क्योंकि हम लोग थोड़ी बहुत रात को पैकिंग भी कर रहे थे तो सामान ऐसे वैसे हो गया है। और इसके साथों साथ रात हमने वॉच की मूवी सबने बैठ के। हाँ। क्या होता है ना, सिर्फ पैकिंग करनी हो और सिर्फ घर का काम हो तो हम कभी भी कर ले, जाने तक करते रहे, लेकिन यहाँ क्या है, मेरा अपना खुद का काम भी रहता है, एडिटिंग भी रहती है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। एडिटिंग भी करनी है, शूट्स भी करने हैं, व्लॉग भी शूट करने हैं, सबका मिक्स साथ हो जाता है, घर का काम, पैकिंग। और जब इतने दिन के लिए जाओ, हम लोग कितने दिन के लिए जा रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग 10-12 दिनों के लिए जा रहे हैं, तो बहुत सारा सामान रखना है, सब चीज़ें याद करके रखनी पड़ती हैं, ठंडी का टाइम है तो बच्चों के लिए सब रखना पड़ता है। तो बेबी गुडी गुडी मॉर्निंग, गुडी गुडी मॉर्निंग बाबू, गुडी मॉर्निंग, किधर है छोटे बाबू की मैया? गुड मॉर्निंग करो सबको। गुड मॉर्निंग गाइस। चलो उठी उठी बहुत छोली है, उठी उठी मम्मा को बहुत सारा काम है, पैकिंग भी करनी है। शूट कर रही हूँ मैं पूरी और पे लेट गई हूँ पूरी की पूरी। छोटा भाई मेरा, ओ, पापा को याद दिलाओ उसका हेयर कट जाने से पहले, हल्का सा हेयर कट। पहले कुछ टाइम पहले अमंग अस खेलते थे, लेकिन फिर बोर हो गई मैं, अभी भी बोर है। सो चलिए शुरू कर देते हैं हमारे सुबह के काम काज, क्योंकि ये मॉर्निंग रूटीन व्लॉग है प्लस माय पैकिंग व्लॉग। ये बहुत सारा, मतलब पूरे दिन में इतनी सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, आप आगे देखिएगा, सुबह का क्लीनिंग रूटीन भी है इसमें, पैकिंग भी है, इसके अलावा बहुत सारा फन और मस्ती है, तो बने रहिएगा व्लॉग पे। तो यहाँ विवेक ने चाय रख दी थी तो मैंने सोचा मैं छान लेती हूँ, मतलब देख लेती हूँ चाय, उन्होंने रख दी, वही बड़ी बात है। तो काफ़ी ठंड हो रही है यहाँ पे, आपके यहाँ वेदर कैसा है? यहाँ पे साउथ गुजरात में चूँकि ठंड बहुत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी हो रही है। और आप लोग सोचेंगे कि मैं कई दिन से पैकिंग बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत काम हो गया है, मतलब साथ साथ अपना काम भी मैनेज करना होता है, तो मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ, पैकिंग हमेशा मैं 2-4 दिन पहले स्टार्ट कर देती हूँ थोड़ी थोड़ी, जिससे कि मैं अपना काम भी कर सकूँ ठीक तरीके से और उसमें कोई गैप ना आए। तो ये एक पर्पल से मेरा एक कुछ सामान आया हुआ है, तो वही बस मैं खोल खोल के देख रही थी कि क्या ले जाने वाली चीज़ें हैं, इसमें से कुछ चीज़ें मैं ले जाने वाली हूँ, इसीलिए रात ये सब फैल गया था, क्योंकि प्रिशा भी, ये दूसरा डब्बा जो आप रखा हुआ देख रहे हो ना कॉर्नर पे, ये गैलेक्सी ज्वेल का डब्बा है, वहाँ से कुछ ज्वेलरीज आई हुई थी, तो प्रिशा को इसमें से कुछ लेके जाना है। तो अब हम चूंकि जा ही रहे हैं वेकेशन पे, तो ये सब निकाल निकाल के देख रही थी कल रात, मैं भी अपना ये पर्पल का सामान देख रही थी, इसमें से मुझे कुछ फेस वॉशेज और कुछ चीज़ें लेके जानी है, तो बस फिर वही थक थक आके इंसान कई बार ऐसे ही छोड़ देता है। तो हम लोगों ने भी रात सब डाइनिंग टेबल पर जमावड़ा छोड़ दिया था, आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, यही सब हम उठा के रख रहे हैं। और मेरे लेंस कार्ड के चश्मे के बारे में सबने लिखा है, कुछ लोगों ने लिखा है कि इसमें मेरी उम्र बहुत ज़्यादा लग रही है, कुछ लोगों ने लिखा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। सो ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा था पहन के, विवेक को भी मेरे पे अच्छा लग रहा था, तो फिर हम लोगों ने ले लिया हुआ था। तो पहली बार लेंस कार्ड से लिया है तो मैं तो बड़ी खुश हूँ। अब यहाँ आ गई हूँ मैं, यहाँ पे सोफ़ा वगैरह झाड़ना होता है सुबह में, वैसे आप मेरा क्लीनिंग रूटीन जानते ही हो, पर अब रोज़ का डेली व्लॉग है तो क्लीनिंग रूटीन में तो ये सब ऐड होता ही है। और यहाँ पे विवेक बैठे हुए हैं चाय की, मतलब चाय पी रहे हैं बैठ के, इनके साथ मुझे भी अपनी चाय पीनी है। मैं कह रहे हैं बैठ जा तू भी पी ले, कब तक सफाई करेगी? मैं कहा नहीं, एक बार पहले सोफ़ा साफ़ कर दूं, इसके बाद आपके साथ बैठ के मैं चाय एंजॉय करूंगी। तो आज का दिन काफ़ी बिजी रहने वाला है, क्योंकि हमारे जाने में सिर्फ अब एक दिन बचा है, हमें बोलूं तो परसों निकलना है, और एक ही दिन पहले अगर सारे काम करो तो दिमाग मेरा बिल्कुल ख़राब हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता कैसे मैनेज करूं सब कुछ, क्योंकि फिर मेरी एडिटिंग पे और मेरे व्लॉग्स पे फ़र्क पड़ता है, मैं नहीं चाहती गैप आए, बस इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा रोज़ करते रहती हूँ। जाने से पहले विवेक को डॉक्टर को भी दिखाना है, इनका पेट थोड़ा सा अपसेट हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, 2 दिन से बोल रहे हैं कि काफ़ी अपसेट है पेट। मैंने कहा चलो ठीक है, जाने से पहले दिखा देंगे। यहाँ इन्होंने म्यूज़िक लगा रखा है, जनरली सुबह के टाइम हम लोग ऐसे ही म्यूज़िक लगाते हैं, सबसे पहले सुनते हैं हम सुबह उठ के एक आरती,
मतलब भगवान की, गणपति भगवान की या साईं बाबा की एक आरती ज़रूर सुनते हैं, और इसके बाद फिर हमारा जो भी फेवरेट म्यूज़िक है, कभी बच्चे अपना फेवरेट लगा लेते हैं, इनको तो बहुत ही फास्ट वाला म्यूज़िक पसंद है, और मैं और विवेक जो सुनते हैं वो बहुत ही माइल्ड सा म्यूज़िक सुनते हैं। तो आज मैंने इनको बोला कि मेरे लिए वो सॉन्ग्स लगाओ यार, वो रोज़ा मूवी के, पता है रोज़ा मूवी किस किस को याद है मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि रोज़ा मूवी के सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे। तो बस वही कुछ पहले प्रिशा के सॉन्ग्स लगे हुए हैं ढिम ढड़ाक वाले, तो हम लोग डांस कर रहे थे, और इसके बाद फिर हम हमारे कुछ माइल्ड सॉन्ग्स लगाएंगे। तो शायद आप सभी को वो सॉन्ग याद हो, रोज़ा जाने मन, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस विवेक ने वही मेरे लिए लगाया था, और हम दोनों बैठ के सुन रहे थे चाय पीते पीते, क्योंकि फिर तो लग जाना है पूरा दिन काम पे। इसके बाद में मैं आ गई थी मेरे बेडरूम में, तो यहाँ पे ना एक्चुअली जो मेरा ये जो कॉर्नर है ना, साइड कॉर्नर जहाँ मैं सोती हूँ, साइड मैं सोती हूँ, ये काफ़ी गंदा हो रखा था कुछ दिनों से। तो मैंने कहा चलो इसे भी लगे हाथों साफ कर दें, और किसी ने ना मुझे कमेंट किया था कि ये जो प्लास्टिक के ड्रॉर्स आपने यहाँ रखे हैं ये अच्छे नहीं लग रहे, इसको स्टोर रूम में रख दो। तो हाँ मैं बहुत जल्दी रख दूँगी, अब तो नहीं वापस आने के बाद करूँगी अब, बिकॉज़ अब तो मुझे दूसरे ही बहुत काम है, पर मैंने कहा चलो इसको क्लीन कर दिया जाए। ये मेरा ना कभी कभी एक वीक में या कभी कभी 15 दिनों में क्लीन होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं रोज़ इसे साफ़ नहीं कर पाती कॉर्नर को, इतना टाइम ही नहीं मिलता है घर के कामों से, पर आज इसे करे हुए काफ़ी दिन हो गए थे। मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया था जब साफ़ किया था, एक वीक से ऊपर हो गया था, मैं कहा चलो कर देते हैं इसे। तो ये ड्रॉर ना मुझे यहाँ पे वैसे बहुत काम लग रही है, ये ड्रॉर काफ़ी यूज़फुल है यार, इसीलिए मैंने दोबारा मंगवाई है। एक बार पहले मंगवाई थी वो उधर रूम में, और एक ये दूसरी वाली है। तो अब हम साफ़ करेंगे बेड, जिसमें अवि मेरी हेल्प करेगा। आप देख रहे होंगे आजकल हेल्प करता है बेड साफ़ करने में, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे ना कि अवि क्यों नहीं कुछ काम करता, प्रिशा सब काम करती है, और कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि प्रिशा का 10th है तो आप क्यों काम करवाते हो। आई नो उसका 10th है, बट वो फ्री टाइम में करती है जब वो नहीं पढ़ रही होती है, और वैसे भी ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं तो वो पूरा दिन नहीं चलती है ना, मतलब जब चलती हैं वो बिज़ी होती है, अपना होमवर्क कर लेती है, अपना सब कुछ कर लेती है, लास्ट में उसका मन करता है तब वो हेल्प करती है, थोड़ा बहुत तो उठती है ना, पूरा दिन तो कॉन्स्टेंट नहीं पढ़ सकती वो, तो ऐसे है कुछ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब, क्योंकि जो डेली रूटीन के काम है वो फिनिश हो गए, साथों साथ मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी है, कुछ कपड़े हैं जो धोने हैं, मैं कहा जाने से पहले कंप्लीट कर दूँ। अब मेरे पास है सिर्फ कल का दिन, और परसों हमें निकलना है, तो बस तैयारियाँ अब पूरी होने वाली हैं। इसके साथ साथ मुझे बोर्डिंग पास, देन लगेज का टैग्स, आजकल ये सब कुछ प्रिंट आउट आपको खुद निकालना पड़ता है। मैं आपको बता दूँ फ्लाइट से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि पेंडेमिक के चलते बोर्डिंग पास आप पहले से लेके आपको वेब चेक इन करना पड़ता है, मतलब दैट इज़ मैंडेटरी। तो ये सब है, तो यहाँ पर हम पैकिंग करने के लिए आ गए थे, गड़बड़ हो गई है गाइस, हम लोग जब उदयपुर से आए थे ना, ट्विस्ट आ गया कहानी में, तो इसने मेरे कहीं, मतलब इसने या मैंने, मुझे याद नहीं है, जो मैं पैंटलून से नहीं मैंने शॉपिंग की थी, मेरे 2 हील्स लिए थे मैंने पहनने के लिए, कुछ भी मतलब वेस्टर्न वेयर पे या किसी भी चीज़ पे चलते हैं, तो पता नहीं आके हमने कहाँ रख दिए हैं, उसकी ढूंढ मची हुई है कल से। यहाँ पे भी देख लिया, अलमारी पे, इसके ऊपर भी देख लिया, शूरेक में भी देख लिया, पता नहीं कहाँ रख दिए हैं, और वो नहीं मिले ना तो माय गॉड मैं क्या पहनूंगी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ बूट बचे फिर और स्नीकर बचे। हाँ। हील जो है फिर होते तो मन करता ना कि भाई हैं तो लेके चलो। कोई ढूंढ रही हूँ, पैकिंग शुरू कर रही हूँ अभी, लंच साथ साथ बनाऊंगी, लेकिन मैंने कहा थोड़ा 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 शुरू कर दूँ। कहाँ जा रहे हो, नहाने जा रहे हो तुम? ढूंढो ना प्रिशा, ऐसे नहीं चलेगा, चलो हम ढूंढते हैं मिलके। अभी पूरा पैक करना ये बाकी है, ये वाला जो इसे क्या कहते हैं, हाइकिंग बैग। हाँ, हाइकिंग बैग, इसमें बूट्स रख दिए मेरे और मम्मी के। ये पूरा हमारा उसका है, आप लोग पूछ रहे थे ना मैं कैसे पैकिंग करती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमारा बैग रहता है ना, ये सबके नाइट वेयर का, लेकिन इस बार हमने इसमें कोई भी कपड़ा नहीं रखा है, इसमें सिर्फ सबके शूज, फुटवेयर, हमारे मेकअप किट्स। हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम तो हमने ये सबका अलग से पैकेट बना दिया था। हाँ, अब ये बार फ्लाइट से जाना है तो हम अलग से पैकेट नहीं बना सकते। या तो इसीलिए इसमें हमारा फुटवेयर से लेके मेकअप किट से लेके मेडिसिन, जो भी ऊपर की चीजें होती हैं, वो सब कुछ इसके अंदर रहेगा, हाइकिंग बैग के अंदर, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत होता है। काफी अच्छा बैग है, बहुत सारा स्टोरेज आ जाता है इसमें, इतनी पॉकेट है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पॉकेट, वहाँ पॉकेट, पॉकेट ही पॉकेट है, मतलब आपका इतना स्टोरेज इसमें आ जाएगा ना, तो ये मुझे इस वक्त अच्छा पड़ेगा फ्लाइट में जाने के लिए। तो ये चेक इन बैगेज के साथ चला जाएगा, और इसमें सारे फुटवेयर, साथ मेकअप किट, और हाँ इनर वगैरह, और ऐसे शॉर्ट्स वगैरह, जो कि अक्सर हम लोग वन पीसेस के नीचे मैं इसको वेयर करती हूँ, प्रिशा वेयर करती है, तो ये इस टाइप की चीजें इसके अंदर रहेंगी सब। और इसके अलावा 2 बैग्स और हैं, ऑलमोस्ट पैक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसमें थोड़ा थोड़ा सामान होता है, लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ बाकी रहता है रखने का, तो वो मैं आज अभी कंप्लीट करूंगी, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सिर्फ 1 दिन का टाइम बचा है, आप समझ लो बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तो अब फटाफट से लगना पड़ेगा। तो बस मैं नहा चुकी हूँ, नहा के मैंने ये वेयर किया हुआ है, क्योंकि ठंड लग रही थी इसलिए ट्रैक पैंट और ये वेयर कर लिया, ये अभी नहानी बाकी नहाएगी, अभी है नहाने के लिए। हाँ, अभी टाइम मैं आपको बताऊँ 12 बजे हुए हैं दोपहर के। हाँ।
तो मैं पहले सब्जी में तड़का लगाने जा रही हूँ, उसके बाद फुल फ्लैश जो भी पैकिंग लेफ्ट आउट है, जैसे कि हमारे मेकअप किट्स हुए और मेरा तो फिर जो हाँ फिर जो इयर रिंग वगैरह रखते हैं हम लोग, ये रखेगी मैं रखूंगी, वो सब हमारा अभी हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फुटवेयर मैं ढूंढ रही हूँ, चलो पहले मैं वो ढूंढ लेती हूँ फिर बात करते हैं। मिलके नहीं देना, पता नहीं कहाँ रखा गया है, तो पहले वो ढूंढ लेती हूँ क्योंकि मुझे वो लेके जाना है। बहुत अच्छा फुटवेयर है, आप लोगों ने देखा होगा मेरे बर्थडे के टाइम पे मैंने खरीदा था, विवेक ने दिलवाए थे मुझे फुटवेयर, दो वैलीज जैसी ली थी मैंने, बहुत अच्छी है। प्रिशा को मैंने लगा दिया है वैलीज ढूंढने के लिए और मैं लग गई हूँ जो भी पैकअप, जो जो चीज़ें याद आती हैं। मुझे ऐसा होता है जब मैं पैकिंग करती हूँ तो काम करते करते मुझे अचानक चीज़ें याद आती हैं, और अचानक प्रिशा ने आवाज़ लगा के बोला, मम्मी आपके वैलीज मिल गए, मैं कल लेके आ जल्दी यहाँ पे। पॉकेट है ना, इसमें मैंने सॉक्स रखे हैं और ये सब मास्क है, विवेक के हैंकीज हैं, ये सारी चीजें इस वाली पॉकेट में। थैंक यू मेरा बाबू, तुमने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब एक काम कर, इनको यहाँ रख, पॉलिथिन बैग डाल दो। और तू कैसे पैक करती है दिखाना, तो फुटवेयर रखने से पहले तू किस तरह से पैक करती है। मैंने ट्रांसपेरेंट बैग है वहाँ पे, मैं देती हूँ तुम्हें। मैंने बूट किस पैक करे पता है, दिखाओ ये वाले, आपको याद है ना ये मुझे विवेक ने दिलाए थे बर्थडे पे, ये मामा के। तो बूट्स मैंने एक ही पॉलिथिन में कर दिए, मेरे बूट बड़े थे तो मेरे को अलग अलग पॉलिथिन में करने पड़े। और इसने ना एक काम किया है, जब इसने बूट पैक किए ना तो यहाँ जो बूट में अंदर जगह होती है ना, इसके अंदर हमारे जो सॉक्स हैं, मतलब की सॉक्स, एक्स्ट्रा सॉक्स, फिर बॉय शॉर्ट्स, हाँ वो सब हमने इसके अंदर राउंड कर करके, कैसे तुमने गोल गोल किया, हाँ, राउंड कर करके अंदर अंदर डाल दिए। उससे क्या होगा, एक तो शूज की शेप नहीं बिगड़ेगी, दबेंगे नहीं शूज, हाँ, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी हमने घुसा रखे हैं, हाँ, सॉक्स वगैरह। तो ये एक तरीका है इस तरह से। और फिर इसके बाद इसने यहाँ ऐसे सैलो टेप मार दिया, जैसा बूट का शेप है वही बूट का शेप दे दिया, और अंदर भर दिए सॉक्स और छोटी छोटी चीजें, तो ऐसे जगह भी बचती है और जो है चीजें भी अच्छी रहती हैं। और मेरे बूट इसने दोनों को एक साथ ऐसे पैक किया हुआ, दोनों ये बहुत अच्छी तरह से फुटवेयर पैक करती है। इसने कुछ किसी वीडियो में देखा था कि किस तरह से, जिससे कि कम से कम स्पेस लगे आपको कहीं जाने में, और कम से कम जगह, मतलब बहुत ही स्पेस सेविंग इसके पास कुछ हैक्स हैं जो ये एप्लीकेबल कर रही है जाते हुए अभी। और हम लोग बोलें तो हमारे तीन बड़े लगेज हुए हैं, वैसे फ़्लाइट में आपको भी पता ही होगा कि 15 kg पर पर्सन चेक इन बैगेज अलाउड होता है और 7 kg कैबिन बैगेज पर पर्सन अलाउड होता है, लेकिन हमारा अंडर ही है, कुछ भी एक्सीड नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने तीन बैग्स लिए हैं। एक बड़ा वाला ब्लू बैग है, दिखाऊंगी मैं आपको बाद में, एक ये हाइकिंग बैग है और एक ये ब्लू बैग है स्काई बैग का, जो मैं विवेक का पैक कर रही हूँ। तो तीन बैगेज हुए हैं और कैबिन बैगेज देखने पड़ेंगे मेरे पर्स को मिला के कितने होंगे। तो ये पैक हो गया है, इसको मैं फाइनल रखने जा रही हूँ अब। जैसे जैसे मेरा बैगेज पैक होता है मैं एक साइड पे सब लगाती चली जाती हूँ, जिससे कि टेंशन नहीं रहे, मतलब साइड पे हो जाए सारा का सारा सामान। तो अब हम लोग जो आज की हमारा जो भी हमें याद है ना, मतलब ज्वेलरी वगैरह जैसे मैंने बताया, जो भी हम वेस्टर्न ज्वेलरी लेके जाएंगे, प्रिशा फुटवेयर पैक कर रही है अपना और मेरा, और मैं इसकी ज्वेलरीज वगैरह देख रही हूँ कि तुम क्या रखोगी मैं क्या रखूँगी। वैसे मेरे पास ज़्यादा वेस्टर्न ज्वेलरी है नहीं, नेकलेस वगैरह तो मैं बहुत ही कम डालती हूँ, चोकर है जो एक दो नए आए हुए हैं मेरे पास, तो उसमें से कुछ मैं रखने वाली हूँ। और इसका ये ज्वेलरी बैग था जो मैं चेक कर रही थी रेड वाला, साथों साथ इसने बहुत अच्छी तरह से अपनी, इसके पास बहुत ज्वेलरी कलेक्शन है गाइज, प्रिशा हैज़ अ ह्यूज ज्वेलरी कलेक्शन, स्पेशली ईयरिंग शी हैज़ लॉट्स ऑफ। तो बस वही मैं देख रही हूँ कि इसमें से कुछ मैं अपने लिए रख लूँ तो, और कुछ उसके लिए, तो बस वही हम पैक कर रहे हैं। और ये गैलेक्सी ज्वेल का मेरे पास ज्वेलरी आया हुआ है जिसका वीडियो बहुत लेट हो गया है बनाना, मुझे पता है कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया हुआ है, लेकिन मैं बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रही थी, तो अब वापस आके मैं जल्द बना दूंगी इसका वीडियो। और कुछ चीज़ें अगर मैं वहाँ लेके गई तो मैं आपको वहाँ दिखा दूंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, राइट, तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो चलो मैं ये पैकिंग फिनिश कर लेती हूँ, देखती हूँ कब फिनिश होती है, फिर आपसे कैमरा के सामने मिलती हूँ। अभी 4:15 हुए हैं और आप मानोगे कॉन्स्टेंट काम किया है, ऑलमोस्ट काफ़ी पैकिंग हो गई, अभी भी थोड़ी थोड़ी सी बची है जो कि मैं रात को कर लूँगी या फिर कल करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब मुझे परसों निकलना है। तो मैं आपको बोलूँ तो सारी पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, थोड़ी बहुत बाकी है वो भी समय रहते मैं कर ही लूँगी। चेहरे पे आप थकान देख सकते हो, आँखें भी इतनी थकी थकी हो रही हैं, ऐसा मन कर रहा है लंबी तान के सो जाऊँ, लेकिन जब कहीं जाना होता है ना तो औरतों को आराम नहीं मिलता, बहुत सारा दुनिया भर का काम होता है। अभी विवेक और अभी गए हुए हैं हेयर कट कराने के लिए, क्योंकि अभी का हेयर बहुत बढ़ गया है, तो मुझे लगा वेकेशन पे जा रहे हैं तो उसका हेयर कट कराने, तो विवेक को बोला समय रहते करा के आ जाओ, तो वहाँ गए हैं। मैं यहाँ लेटी हूँ थक थका के, 10-15 मिनट के लिए लेटी हूँ, बस 10-15 मिनट भी कहाँ, एडिटिंग कर रही थी मैं लेटे लेटे। और बस अब मैं उठूँगी, फिर से शाम के काम होंगे
और जो पैकिंग रही सही है वो रात को करने की कोशिश करूंगी। फिर मुझे भी विवेक इसका हेयर कट करा दे, घर पे आ जाएं, फिर मुझे इनके साथ बाहर निकलना है, क्योंकि बाहर जाते हैं तो आपको भी पता है बहुत सारे काम होते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ मेरी भी ऐसी है जो लेने वाली है। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे कि सैनिटाइज़र हो गया, टिश्यू हो गए, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो गई जैसे कि मुझे क्या लेना था, मैंने लिख के रखा हुआ है, मुझे कई सारे काम हैं। मेरा ट्राइपॉड भी एक छोटा मैं देखने के लिए जा रही हूँ आज मार्केट, क्योंकि बड़ा ट्राइपॉड मैं शायद लेके फ्लाइट में कैसे जाऊँगी। और कैबिन बैगेज, हाँ कैबिन बैगेज के लिए ना मेरे पास छोटा बैगेज नहीं है, सब बड़े बैगेज हैं, लगेज मतलब यू नो ट्रॉली बैग वगैरह, तो एक कैबिन बैगेज के लिए कुछ मुझे देखना है। तो बस अभी विवेक आ जाए फिर उनके साथ वहाँ निकलूँगी। इतने काम हो जाते हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह कुछ अगर चाहिए तो, बस यही सब काम है। बहुत थकान फील कर रही हूँ, काफ़ी थक गई हूँ और सोने का बहुत मन कर रहा था लेकिन जरा भी नहीं सोई हूँ। आई एम सो हैप्पी, वेकेशन पे जा रहे हैं हम लोग, क्या इसके अलावा फुटवेयर रख लिया, मेडिसिन वगैरह रखनी अभी बाकी है, और हाँ सबके आईडी वगैरह प्रॉपर रखे, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह और ये सारी चीज़ें जो कि एयरपोर्ट पे काम लगती हैं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट से, वो आपको बताइए। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मैं कहा चलो थोड़ा म्यूज़िक सुनते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा। तो ये ब्लूटूथ स्पीकर जो है ना, ये काफ़ी दिन से मेरे घर पे आया हुआ है, आपको पता ही है, तो ये वाला स्पीकर मैं लेके भी जाने का सोच रही हूँ, क्योंकि मज़ा आएगा वहाँ म्यूज़िक सुनने में, जब मन करेगा तब। एक ब्लूटूथ स्पीकर साथ में हो तो अच्छा रहता है। तो बस थोड़ी देर म्यूज़िक सुनेंगे, चाय पियेंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, और इसके बाद अभी भी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया है तो मुझे जाना है वहाँ तैयार होके। क्या है, क्यों है, मैं आपको अभी रेडी हो जाऊँ, पहले शैम्पू वैम्पू करके फिर आपको बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ। तो अभी रात हो गई है और बाहर आप अंधेरा देख सकते हो, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है बाहर। अभी टाइम हो रहा है, मेरे हाथ में फ़ोन है, मैं आपको बताती हूँ कितना टाइम है। इट्स 6:43, आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हो ये पर्स मेरा पैक हो चुका है, ये वाला पर्स मैं लेके जाने वाली हूँ, और ये कुछ पेपर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, नीचे एक फोल्डर रखा हुआ है ब्लू कलर का, उसके अंदर सबकी आईडीज़, क्योंकि आई थिंक एयरपोर्ट पर मुझे आईडीज़ लगेंगी, तो वो सारी चीज़ें पैक की हैं। यहाँ पे वाला बैग पैक होके रखा हुआ है, और इसमें थोड़ा थोड़ा सामान अभी और डालना बाकी है, वो लास्ट मोमेंट तक रहता है, बाकी कुछ ना कुछ जब तक जाते हैं ना तब तक रहता है। तो मैंने अभी, आप सोचोगे इस टाइम पे क्यों शैम्पू किया है, तो बस सुबह से वक्त ही नहीं मिला, मुझे शैम्पू करना था, मेरे बालों में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादा ना धोऊं तो ऑयली हो जाते हैं, तो मैंने बिल्कुल बिना ऑयल डाले ऐसे ही शैम्पू किया हुआ है। एक लॉन्ग कुर्ता पहना हुआ है और नीचे स्कर्ट है ये, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये हाईनेक कुर्ता है, मुझे ऐसे कुर्ता पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शाम को मुझे विवेक के साथ निकलना था मार्केट, पर मैं नहीं निकल पाई, बहुत सारे काम थे, तो अब मैं शायद ये सारे काम कल मॉर्निंग में करूँगी, क्योंकि अब और तो टाइम है नहीं, कल ही जाना पड़ेगा। मुझे मेरी आईब्रो भी करानी है, आपको पता नहीं चलेंगी क्योंकि मैंने इन्हें डिफाइन किया हुआ है थोड़ा सा, तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये मेरी आईब्रो काफ़ी बढ़ चुकी हैं, तो फिर अब जाने से पहले तो कराना ज़रूरी है। तो वही है, अभी इयरिंग डालूंगी मैं, एक्चुअली जाने का प्लान था बाहर, अभी तक निकली नहीं हूँ, अब निकलूंगी मैं, 7:45 हो रहे हैं तो 7:30 हो जाएंगे मुझे निकलते, क्योंकि इनमें मैं ड्रायर करूंगी, ठंड हो रही है ना, अगर मैंने ड्रायर नहीं किया तो शायद मुझे ठंड लग सकती है, बस इसीलिए जा रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड के यहाँ पे उसकी मॉम का बर्थडे है, तो वहाँ पे उनको विश करने के लिए और उनको सिर्फ केक देने के लिए, शी इज़ जस्ट लाइक माई मॉम, मेरी मम्मी जैसी हैं वो, और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है यहाँ पे उसकी मम्मा, तो उनका बर्थडे है आज, तो माई फ्रेंड टोल्ड मी कि मम्मी का बर्थडे, मैं कहा चलो शाम को मैं आती हूँ उनको विश करने के लिए और उनको अपनी साइड से कुछ केक वगैरह देने के लिए, तो बस उनको केक देने जाना है, दैट्स इट। वहाँ कोई पार्टी वार्टी नहीं है, हम लोगों ने मना कर दिया हुआ है उन्हें, बस केक दे के आ जाएंगे और फिर उसके बाद बाकी का काम करूँगी आने के बाद। ये भी जो भी पैकिंग थोड़ी थोड़ी बाकी है, आप सोचोगे पैकिंग सुन रहे हो दीदी के मुंह से, लेकिन हाँ होता ही है, कहीं जाओ तो काम खत्म नहीं होते कभी भी। तो रेसिपी आज के वीडियो में मतलब कम मिल रही होंगी, क्योंकि अब जब बाहर जाना होता है तो इतना ज़्यादा इंसान फोकस नहीं कर पाता कि कुछ नया बनाए, बस फिर तो ऐसा होता है जो रखा है फ्रिज में बना के खा लो, क्योंकि काम ही बहुत हो जाते हैं पैकिंग का, बाहर जाओ शॉपिंग करो, और मेरे साथ एडिशनल हो जाता है मेरा यूट्यूब का काम, मेरी एडिटिंग्स और ये सारे काम भी हैं जो मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यूट्यूब तो मतलब मेरी जान है, वो तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। तो बस इसीलिए रेसिपीज़ वगैरह का थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कम आ रही हैं। इस तो मैंने बालों को कर लिया है ड्राई, और ये छोटे छोटे से पहने हैं, पहनने वाली तो मैं झुमके थी लेकिन फिर मैंने स्मॉल स्मॉल से डाल लिए। मैंने ईशा ने आज क्या डाला है, मेरी ना वॉच नहीं मिल रही जो मैंने ठीक करवाई थी, यही ढूंढ रही है मेरे लिए। देखो इसने क्या डाले हैं, रिंग्स डाले हैं आज, हूप्स डाले हैं मैंने, इन्हें हूप इयररिंग्स कहते हैं मम्मी। ये बहुत ट्रेंडी मैं वॉच पहनने की बहुत मेरे मन में आज इच्छा है, लेकिन पता नहीं मैंने ठीक करवा के लाके कहाँ रख दी। मेरे साथ ऐसा ही होता है गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि मैं चीजें रख के भूल जाया करती हूँ,
तो मैं कहीं रख के भूल गई हूँ, मेरी बच्ची मेरे लिए ढूंढ रही है मेरी वॉच कहाँ रखी है। मेरा बहुत मन कर रहा है, कितने टाइम बाद खुद की वॉच रिपेयर कराई कि भाई मैं पहनूंगी, लेकिन मिली नहीं रही, पता नहीं कहाँ रख छोड़ी मम्मी ने। तो हम लोग घर पे वापस आ चुके हैं, मेरी फ्रेंड के यहाँ पे केक देने गए थे उसकी मम्मी को, साथ में केक कटिंग किया, अच्छा लगा, लेकिन पार्टी अटेंड नहीं की, हम लोग वापस आ गए क्योंकि काम बहुत सारे बाकी हैं अभी। तो ये पॉलीथिन बैग में कुछ परेशानी चीज़ें रखी थी, ये सब मैं चेक कर रही थी, इसकी ज्वेलरी बैग एक बार चेक कर रही हूँ, सब कुछ चेक कर रही हूँ कि भाई प्रॉपर पैक कर दिया या नहीं, कोई चीज़ ऐसे तो नहीं रख दी कि टूट जाए जाते हुए, प्रॉपरली पैक हुआ है कि नहीं वही सब चेक कर रही हूँ। ये इसका लिपस्टिक बैग है, वो भी देख रही हूँ भाई कौन सी लिपस्टिक रखी है, क्या रखा है, कितना है, विवेक का पाउच, सब कुछ चेक कर लिया है एक बार मैंने बैठ के। प्रिशा ने अपना ज्वेलरी बैग पैक करके रखा है, ये छोटा सा पाउच है जिसमें सारी ज्वेलरी डाल के ले जा रही है। तो मैंने कहा एक बार चेक कर लो इसने क्या क्या रखा है, क्योंकि कुछ चीजें इसने मेरी भी अपने पास ही रख ली हुई है, इसने बोला मेरे ज्वेलरी बैग में, मम्मी आपका डाल देती हूँ। तो यहाँ पे इसने काफी सारी चीजें रखी है, जिसमें इसने देखिए ये भी रखा है, कितना सुंदर है ना ये, बहुत सुंदर है ये, हुप्स बहुत प्यारे लगते हैं पहन के। तो ये प्रिशा को ज्यादा पसंद है, मुझे इतने पसंद नहीं है, प्रिशा ने अपने लिए रखे हैं। और इसके अलावा ये इयर रिंग्स हैं जो कि शायद मैं पहनूँ या वो पहने, वेस्टर्न काइंड ऑफ हैं, वहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिर ये गैलेक्सी ज्वेल के हैं, ये इसने रखे हुए हैं। सेफ्टी पिंस जो कि मैं हमेशा रखती हूँ बाहर जाते हुए, कहीं भी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कभी किसी ड्रेस में लगाने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है, तो एक ये बड़े साइज़ के और एक छोटे साइज़ के मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। इसके अलावा ये वाला जो पाउच है ये मेरा नहीं है, ये प्रिशा का है, मेरा पाउच करना पैक करना भी बाकी है, पाउच नहीं है मेरा, तो बहुत सारा सामान होगा, मैं रात को लेट नाइट बैठ के करूँगी। तो इसमें इसने अपना मैंने एक बार चेक कर लिया हुआ है, सब कुछ परफेक्ट है, इसमें लिपस्टिक है, इसका ये हाइलाइटर है, फिर लिपस्टिक डाली हुई है इसने, अपने फेवरेट कलर्स जैसे कि न्यूड लगाती है ना, तो इस टाइप के कलर्स डाले हैं इसने, ये न्यूड टाइप के। और आईलाइनर है जो उसके फेवरेट हैं, एक नेल प्रिंट रिमूवर है क्योंकि उसकी कई बार ज़रूरत पड़ जाती है जब हम बाहर जाते हैं, कहाँ ढूंढने जाएंगे नेल प्रिंट रिमूवर, तो लेके जाने में भलाई है। तो ये प्रिशा का पाउच है, और ये मुझे मेरे बर्थडे पे नायका से आया था एक बार मुझे, तो ये विवेक का पाउच है, ये निविया का है और इनके फ्रेंड ने इनको दिया था। और इसमें इनका एक टूथपेस्ट होता है, अरे कहाँ गया ये रहा, एक इसमें टूथपेस्ट रखते हैं ये कोलगेट, क्योंकि कोलगेट के सिवाय इन्हें कोई दे दो ना तो इन्हें सनक है, मतलब मेरे पति को उस चीज़ की सनक है कि कुछ और मिल जाए ना कहीं पर तो नहीं यूज़ करेंगे, ये बहुत गुस्सा करते हैं, अगर इनको कोलगेट ना मिले ना तो ये पूरे होटल को सिर पर उठा लेते हैं। तो ये निविया मैन ऑल इन वन फेस वॉश है इनका, बेचारों की इतनी सी चीज़ें हैं, हमारी कितनी चीज़ें होती हैं, ये निविया मैन आफ्टर शेव लोशन है, ये स्प्रे है, क्या है, प्रोटेक्ट एंड केयर, सब कुछ निविया का है बस। इसके अलावा मैंने हेयर स्ट्रेटनर रखा है, मेकअप किट, मैरिज सेंस अभी रखनी बाकी हैं, और सबके आईडीज जो कि आप चाहे ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो या आप प्लेन से ट्रेवल कर रहे हो, आईडीज वगैरह होनी चाहिए। इसके अलावा मोबाइल चार्जर, हेडफोन्स, परफ्यूम मैं भूल जाऊंगी अभी रख देती हूँ, मेरा स्किन का परफ्यूम जो विवेक ने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था वो परफ्यूम मेरा रखने हैं बाकी अभी। और इसके अलावा हेयर ऑयल की छोटी सी बॉटल भी हम लोग लेते हैं, वहाँ कहाँ ढूंढे, और अगर किया तो मैं शो करूँगी, और नहीं किया तो फिर मिलूंगी आपको कब, कल मॉर्निंग में, लव यू, गुड नाइट, अगर मिली तो मिली, नहीं तो कल सुबह, गुड नाइट गाइस, कल मिलते हैं मॉर्निंग में। मैं जा रही हूँ अभी मेरा लिपस्टिक और ये लाइनर सब रिमूव करने के लिए, मैंने कोई पैकिंग एक्स्ट्रा नहीं की, बस फैमिली के साथ बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज, बस अब आराम करना चाहती हूँ, 11:30-12 का टाइम है ये, तो मैं कैसे रिमूव करती हूँ, या तो मैं वर्जिन कोकोनट ऑयल लगा देती हूँ यहाँ पे, और अगर मेकअप हो तो, मेकअप ऐसे कुछ खास है नहीं, आईलाइनर है, तो वर्जिन कोकोनट ऑयल को पहले हल्का फुल्का सा ऐसे मसाज सा कर देती हूँ, और फिर वाइप ऑफ कर देती हूँ टिश्यू से या वेट टॉवल से, और या फिर मिसलर वाटर होता है जिससे आप कर सकते हो, या फिर क्लेंजिंग मिल्क है मेरे पास गुड वाइब्स का। तो चलिए मैं अब आपको कल मॉर्निंग में मिलती हूँ, नाइटर्स पहन चुकी हूँ मैं, ये नी लेंथ तक का एक नाइटी है, गुड नाइट, कल मिलते हैं, बाय।